इस बात का अयादा करते हैं कि आज की इस मेहंदी के वसीला से ना सिर्फ बेटी खानदान बल्कि आए हुए सारे मेहमान बरकत पाएंगे। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ, कि देखो एक तुम्हारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह माफ किए जाए। तो फिर बोलो यीशु मसीह। हाँ जी। और इस पैसेज में यीशु मसीह के एक नाम की जो एक खासियत है, एक ये भी है कि उसका नाम क्या रखना, बोले इमैनुएल। और उसका क्या तर्जमा है, खुदा हमारे साथ। और वेरोनिका के डैडी का नाम भी, और इस निस्बत से हम ये कह सकते हैं कि बेटी तेरे बाप की बरकतें तेरे साथ है। हालेलुया। यू माइट बी मिसिंग हिम अ लॉट ड्यूरिंग योर वेडिंग, बट सेंस इन स्पिरिट कि खुदा ने ऐसा इंतजाम कर रखा कि उसने आपकी मामा के वसीला से आपकी परवरिश और हर एक बात पे ख्याल करके आज ये दिन हम सबको दिखाया। आमीन। ये सिर्फ दुल्हा के लिए नहीं है कि औंदियां नसीबां नाल, आप फिर नहीं बोल रहे, ये घड़ी दिखाई है, ये मौका बख्शा है कि हम इस चीज को विटनेस करें। जब हमारी बेटी कल अज़दवाजी जिंदगी के बंधन में बांधी जाएगी तो फिर हम सब मिलकर बरकत पाएंगे। हालेलुया। सो इमैनुअल इज ऑलवेज इन द फैमिली, खुदा हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे साथ है। भाईजान कवाल पार्टी इधर गौर कर, खुदा हमेशा हमारे साथ है, वो हमारी मदद करता है। इमैनुअल ऐसे ही कहा गया था, उसका तर्जमा था खुदा हमारे साथ। When you are in problem, just call upon the name of God। खुदावन इमैनुअल हमारी मदद कर। और बेशक जब हम आंटी मार्था की लाइफ पर गौर करें, वो सोच रही होगी कि इतना बोझ, इतना मुश्किल काम, लेकिन आसमानी इमैनुअल वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम सब ने अपनी बारी पर खुदा के हजूर हाजिर होने, लेकिन द इमैनुअल इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। चाहे बेटियों का शादी का मामला हो, बेटों का हो, बच्चों का हो, वो हमारे साथ ही रहता है। और इस सीजन की खूबसूरती ही ये है कि खुदा हमारे साथ है। और मैं अक्सर इस बात को एलैबोरेट करता हूं कि खुदा किसी भी तरह से यीशु मसीह को जमीन पर भेज सकता है। क्यों खुदा ने पसंद किया, भाई तनवीर गौर करें, क्यों खुदा ने यह पसंद किया
कि उसका इकलौता बेटा एक मां के बतन से मुकद्दसा मां मरियम से जन्म लिया, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो खानदान का खुदा है। हालेलुया, आमीन। और जो तजर्बा प्रोसेस से एक मां गुजरती है उससे मुकद्दसा मां मरियम भी गुजरी और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बेटी को गोद में लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसी इंसानी फितरत के प्रोसेस को फॉलो किया, अपनी मुकद्दसा मां के बतन से जन्म लिया, दूध पिया मां का और उसकी मां ने उसकी परवरिश की। खुदा ये चाहता है कि आज का खानदान बरकत पाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि खानदान कितना खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। शायद आप सोच रहे होंगे, सब नहीं, कोई सोच रहा होगा अभी भी, कि वो दूसरा काम शब्द कब शुरू होने है मेहंदी वाला, जब हमने शोर डालना है, डांस करना है। लेकिन याद रखिए मेरे अजीजों, जब तक खुदा हमारी मदद नहीं करता हम कुछ भी नहीं कर पाते। आमीन। आज के इस मेहंदी के प्रोग्राम में मैं पूरे खानदान की तरफ से एक बार फिर आपको वेलकम करता हूं और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करें कि जिन्होंने स्पेन से आना था, दुबई से आना था, कोयटा से आना था, वो सब खैरियत से आ चुके हैं। इसके लिए हम खुदा के हुजूर जोरदार तालियां। हमने उस दिन भी आपको अनॉइंट किया था और आज भी अनॉइंट करेंगे। हालेलुया। और ये ऑयल मुझे बताना पड़ता है, वो बॉटल इस तरह से है, भावे कोई बाजगरे पार्टी का ऑयल है, ये स्पेशली अनाउंस करना करने वाला ऑयल है जो मैं डैलस टेक्सास अमेरिका से लाया। और जिस दिन से लाया हूं आप ही को अनाउंस कर रहा हूं, पुत्र खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम बेटी वेरोनिका को खुदा बाप और खुदाए बेटे और खुदाए रूह कुछ के नाम में अनॉइंट करते हैं। सब अपना दाना हाथ बढ़ाएं, इन दोनों को अपनी नेमतों और बरकतों के लिए तैयार कर। हर किस्म की कमी, कमजोरी, बीमारी, लाचारी यीशु के नाम में जाती रहे। इन दोनों को, खानदानों को और आए हुए सारे अजीजों को यशाया 54 बाब की 17वीं आयत से ब्लेस करते हैं, कोई भी ऐसा हथियार जो हमारे खिलाफ बनाया गया है वो कभी भी कामयाब ना हो। सब कहें आमीन। सब खड़े होकर हाथ उठाएं आसमान की तरफ और वही दुआ जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है मिलकर कहें, उसकी शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम इमार पर वेरोनिका के साथ और हाजरी ने जमायत के साथ हमेशा से हमेशा तक रहे। और सब मिलकर कहें, खुदा बाप और बेटे और रूह कुछ के नाम में।